नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एफएम ज्ञान पे। यहां पर मैं और आप फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं और नए नए टर्म्स को सीखने की कोशिश करते हैं अपनी हर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रो ऐप को लेकर। हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहते हैं। काफ़ी यूजर्स को दिक्कत आ रही है, काफ़ी क्वेरी भी आई है जिन लोगों ने हमारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक या शेयर मार्केट की वीडियोज़ देखे। ग्रो ऐप में मैं बता दे रहा हूँ, आप पहले आप लोगों के लिए ये जो मौजूद था ग्रो ऐप, इसमें आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते थे, चाहे वो SIP के थ्रू चाहे वो लमसम के थ्रू। और हाल ही में इन्होंने नया अपडेट भी कराया जिसमें आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं ग्रो ऐप के थ्रू। इस वजह से काफ़ी यूजर्स ग्रो ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है लोगों में, जो कि आती थी ज़ीरोधा में अगर मैं बात करूँ, और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जितने भी शेयर मार्केट के जो भी आपके ब्रोकर थे, वही सेम इशू यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आपका एक आधार कार्ड से नंबर लिंक होना चाहिए। आज हम उस अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई यूज़र्स हैं जो अपना ग्रो ऐप पे अकाउंट बनाते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, उनका अकाउंट ले लिया जा रहा है, लेकिन जब वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपना अकाउंट बना रहे हैं बट उनका अकाउंट ओपन ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे क्या गलती कर रहे थे आप लोग। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ग्रो ऐप में क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपको जानना है ग्रो ऐप में आप कैसे अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ताकि आप चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर आपका शेयर मार्केट में स्टॉक में अगर आपको पैसे लगाने हैं, तो आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, क्या टर्म्स होते हैं, कैसे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, इसका हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है जो कि आपको हमारे डैशबोर्ड में भी मिल जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड दिख रहा है, इसका एक पूरा वीडियो हमने बना के यूट्यूब में डाला हुआ है। उसका मैं लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, और आपको आई बटन का जो ऑप्शन होता है उसमें भी दे दूंगा, जिससे कि आप वीडियो को देख के पूरा समझ सकते हैं कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे आप स्टॉक की अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर हम जाते हैं, तो यहां पर अगर आप किसी भी शेयर में जाते हैं कैसे एनालाइज करना है, किसी भी शेयर के क्या क्या टर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो यहां पर एक मैं क्विक अपडेट की बात करता हूं, ये यहां पर लिख के आ रहा है कंप्लीट सेटिंग अप योर स्टॉक अकाउंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको अपना अकाउंट वापस से सेटअप करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ सेटअप पे, तो यहाँ पर ये मुझे पूरी प्रोफाइलिंग करने को दे रहा है ऑप्शन कैसे क्या क्या है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बात करूँ जो लगते हैं नेसेसरी, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक डिटेल्स है, मेरा नाम है, फैमिली डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ डाल दी। आखिरी ऑप्शन आता है आपका आधार ई साइन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं इस पर जाता हूँ तो ये चीज़ आप देखेंगे लगातार लोडिंग हो रही है, बट ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो मैंने यहाँ पर जिस नंबर से रजिस्टर किया है वो मेरा आधार से नहीं मैच करता है। जैसे यहाँ पर ई साइन खुल के आ रहा है, अभी आप देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट खुल के आएगा। अगर मैं बात करता हूँ ज़ीरोधा की बात करता हूँ या शेयर खान की बात करता हूँ, जितने भी ब्रोकर हैं, अगर आपको ये चीज़ लास्ट स्टेप जो होता है वेरीफाई करने के लिए, उनका एक ई साइन फॉर्म आता है, आपको उसे डाउनलोड करना होता है, साइन करना होता है, उनके एड्रेस पर भेजना होता है। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि अगर ई साइन की बात करूँ, ई साइन फेल्ड हो गया। तो दोस्तों, आपकी गलती यही हो रही थी जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये यहाँ पर एक फॉर्म देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक एड्रेस देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, आपका जहाँ पर साइन करने के लिए मेंशनड है वहाँ पर आप अपना साइन करिए। याद रखिएगा, वही साइन करिएगा जो आप बैंक अकाउंट या सारे जहाँ पर साइन करते हैं जो आपका प्रोफेशनल साइन है, उसी से साइन करिएगा। उसके बाद आपको इस एड्रेस पे कुरियर करना होगा। जैसे ये कुरियर हो जाएगा और उनको रिसीव हो जाता है, उसके 2 से 3 दिन में यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जो यहाँ पर ये चीज़ आ रही थी अभी तक आपको, वो प्रॉब्लम हट जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर ये पूरा अकाउंट आपका खुल जाएगा। और जिसको भी आप एनालाइज कर रहे थे अभी तक, और जो भी आपको जिसमें इन्वेस्ट करना हो उसमें, आप डायरेक्ट बाय करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा, आप फिर उसमें बाय कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही हो रही थी, क्योंकि बहुत लोगों के जो नंबर हैं बैंक अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर साथ में रजिस्टर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आधार कार्ड का जो नंबर है वो अलग हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड शायद आप लोगों का पुराना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी होगी, अगर आपका आधार कार्ड नंबर सेम है तो ही यहाँ पर आपका अकाउंट खुल जाएगा। डायरेक्ट एक ई साइन लगेगा आपको, डायरेक्ट यहाँ पर एक स्क्रीन आएगी जिसमें आप साइन कर सकते हो, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपका नंबर नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, ग्रो ऐप सही से काम नहीं कर रहा है, कोई बग है, बस आपको वो फॉर्म साइन करना होगा जैसे कि ज़ीरोधा में हर किसी को साइन करके भेजना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी क्या गलती आप लोग कर रहे थे।
तो अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। थैंक यू दोस्तों।